इस श्रीमद् भागवत कथा से प्रसूत और आपके अंतःकरण में स्वतः ज्ञान वैराग्य भक्ति से उत्पन्न आपकी उस दिव्य आध्यात्मिकता को, जिसके कारण आपके अंतःकरण में भगवदीय अनुरक्ति, अभिरुचि, समर्पण और सहज आस्था विश्वास अब दृढ़ है, ऐसी इस दिव्य सत्ता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए जगन्नियंता, जगन्निवास, जगतपति, जगत प्रभु, जगदेश्वर भगवान जगन्नाथ, जिन्हें विश्वपति कहें, विश्वंभर कहें, विश्वरूप विराट विष्णु कहें, जो कल्पांत में एक से अनेक होकर विविध बहुरूप अनेक रूप होकर सभी में समान रूप से समाहित हैं, वे हरि ही जो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र सभी रूपों में, जो सभी में समाहित है वो एक ब्रह्म सर्वत्र सर्वरूप होकर, वह सर्वशक्तिमान, वह सर्वोच्च, सर्वसमर्थ सच्चिदानंद समय समय पर अवतरित होते हैं, मरण नित्य है, वैसे ही अवतरण भी नित्य है। जैसे क्षरण और ह्रास नित्य है, वैसे ही उदय और विकास और उसके पूर्व में जन्म अथवा उत्पत्ति भी नित्य है। उत्पत्ति सृजन की क्रिया भी नित्य है, सहज है, हर पल है। उस उत्पत्ति में स्थिति, उस उत्पत्ति या सृष्टि में विकास भी नित्य है। पर विकास के साथ ही ह्रास भी है। ह्रास का चरम अंत है, उस अंत का भी चरम तिरोधान है, अवसान है, और उसका भी चर्म फिर उस अंत का, तिरोधान अवसान का कोई चर्म है तो वो अनंत है। अनंत में ही कोई चीज लीन हो जाती है, क्रियाएं चलती रहती हैं या अवस्थाएं बदलती रहती हैं, काल की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, या रूप बदलता रहता है, दृश्य बदलते रहते हैं, प्रकाश के कारण, ध्वनि के कारण,
काल कर्म स्वभाव के कारण, गुणों के कारण भिन्नता प्रतीत होती रहती है, विभिन्नता, बहुविधता, अनेक रूपता, इसको विचित्रता भी कह सकते हैं। चित्र विचित्र होते रहते हैं, वैचित्र्या जगत रुचिणा वैचित्र्या, शास्त्र कहता है रुचियां विचित्र हैं, विभिन्न हैं, जगत के चित्र भी विचित्र हैं, बदलते रहते हैं। हम जिस जगत में रहते हैं वो बदलने वाला जगत है, परिवर्तनशील जगत है। यह एक रस नहीं है, जगत एक जैसा नहीं है, जगत में एक रूपता नहीं है, बहुरूपता है। ये जो इसकी विचित्रता है जगत की, यही इसका वैशिष्ट्य है कि कुछ भी एक जैसा या नहीं रहेगा। पर यह सौम्यता रहे, सौख्यता रहे, संतुलन रहे, धरती अंबर अग्नि जल वायु में, जैव जगत में, प्रकृति में साम्य और संतुलन बना रहे, इसके लिए धर्म जो धारण करता है सबको, जो एक अज्ञात सुंदर व्यवस्था है, उसके रक्षण संवर्धन पोषण के लिए मेरे आगमन की संभावनाएं हर पल हैं, हर युग में हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मेरी संभावना रहती है, हर पल, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमाने, बाढ़ई असुर अधम अभिमाने, जब बहुत निरंकुश हो जाएंगे अभिमानी, वे अधमता करने लगेंगे, जब धर्म शिथिल होने लगेगा, उसका ह्रास होने लगेगा, तब मैं उसकी रक्षा के लिए आता हूं। क्योंकि धर्म अलौकिक है, ज्ञान भी अलौकिक है, और ध्यान रहे वैराग्य भी अलौकिक है।